चलिए रुक करते हैं जयपुर के भट्टा बस्ती की ओर। आपको बता दें कि जयपुर के शास्त्री नगर भट्टा बस्ती से बड़ा मामला सामने आ रहा है। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर रेप की संख्या दिनों दिन लगातार प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहीं आपको बता दें कि इन अपराधों पर अभी तक किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लग पाया है। कारण यह होता है या तो वीडियो बनाए जाते हैं या ब्लैकमेलिंग की जाती है। बार बार परिवार की धमकी देकर बच्चों के साथ में बलात्कार की घटनाएं घटित की जाती है। आज एक ऐसा ही मामला भट्टा बस्ती के शास्त्री नगर में सामने आया, जहां पर 16 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ में उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया जाता है। जब वह बच्ची गर्भवती हो जाती है तो भट्टा बस्ती थाने में मुकदमा दर्ज किया जाता है। भट्टा बस्ती शास्त्री नगर थाना पुलिस अभी कार्रवाई को अंजाम पर लगी हुई है। लगातार नाकेबंदी भी की जा रही है, लेकिन अभी आरोपी फरार है। शहर की भट्टा बस्ती पुलिस ने 16 साल की एक किशोरी के साथ रेप करने और मारपीट करने के मामले में एक नामजद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि मामला दर्ज होने के साथ ही आरोपी फरार है। जिस किशोरी का रेप हुआ उसकी मां ने पुलिस आरोपी को के बारे में जानकारी दी। पुलिस को बताया कि वह आरोपी किशोरी को धमकाकर पड़ोसी ही रेप कर रहा था, परिवार को मारने की धमकी दे रहा था, 5 से 6 महीने तक लगातार बेटी को बर्बाद कर रहा था। कुछ दिन पहले जैसे ही बेटी के पेट में दर्द हुआ और उसने अपनी मां को बताया तो मां ने उसे दवा दे दी। बाद में जब दर्द कम नहीं हुआ तो वह मां अपनी बेटी को लेकर अस्पताल गई, जहां डॉक्टर ने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो पता चला कि बेटी को 2 से 3 महीने का गर्भवती है। बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मां ने पुलिस को बताया कि आरोपी युवक पास का रहने वाला है, वह परिवार से इतना मिलनसार था कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वह रेप कर सकता है। पुलिस को पीड़िता का वीडियो बनाने के बारे में भी जानकारी मिली है।